ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाना मत भूलें अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम इरम जावेद है मैं न्यूट्रिशनिस्ट और एसन हूँ और आज का मेरा टॉपिक है कि रोटी और चावल छोड़ने से हमारी बॉडी पे क्या तब्दीली आती है तो रोटी और चावल जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक बुनियादी खाना है एक बहुत मेजर फूड ग्रुप है जिसको अगर हम अपनी बॉडी में से एलिमिनेट करेंगे निकाल देंगे तो इससे आपको कोई बेनिफिट तो नहीं मिलेगा लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बहुत होंगे और साइड इफ़ेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ डिज़ास्टर्स होंगे वो क्या होगा कि वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको वो डिजास्टर आपको समझ में आएगा इन द फॉर्म ऑफ कि आपकी स्किन लूज हो जाएगी आपकी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी लैक ऑफ स्लीप होगी और इस तरह से बहुत सारे इश्यूज आपके डेवलप होंगे और आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा अब मैं आपको इसमें ये बताऊंगी के रोटी और चावल जौन से हैं ये बुनियादी तौर पे ये कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में से हैं और अगर अब आप इसको निकालते हैं हमने ये इससे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है और अगर आप इसको अपने फूड ग्रुप में से निकाल देते हैं तो पीछे से आपके पास जो खाना रहता है वो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता तो इसलिए रोटी और चावल इसलिए इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में आपने उसको अगर आप उसको कम करके आप उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें ओला डॉक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से रोटी और चावल छोड़ने से फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों इफेक्ट्स होते हैं तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो होते हैं जो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपकी बॉडी में जो सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है वो आपको साइकोलॉजिकल पड़ता है क्योंकि रोटी और चावल में क्योंकि फाइबर होता है जब आप वो खाते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है और लेकिन जब आप उसको छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है कि आपको ये एक एन्जाइटी एक स्ट्रेस आपको ये रहता है कि जो मैंने रोटी और नहीं खाई हुई मैंने चावल नहीं खाए तो जिसकी वजह से वो एक स्ट्रेस हर वक्त बॉडी में इंक्रीज होता है और वो जो स्ट्रेस लेवल है उसको वो इंक्रीज जब होता है तो वो लेवल उसको कहते हैं तो जब वो उसकी वजह से फिर एंगजाइटी भी होती है स्ट्रेस लेवल इंक्रीज करता है और फिर आपकी लैक ऑफ स्लीप उसके साथ होती क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई हुई आपका खाना पूरा नहीं हुआ हुआ तो आपको पहले आपको नींद आपकी कि शिकायत होती है कि आपको जी नींद पूरी नहीं आ रही और नींद जब आपको पूरी नहीं आएगी तो अगले दिन आप थके हुए होंगे जब आप अगले दिन थके हुए होंगे तो नेक्स्ट डे उससे नेक्स्ट डे फिर आपको क्योंकि आपने फाइबर नहीं लिया हुआ तो आपको कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाती है और फिर ये इस तरह से एक साइकिल चलना शुरू हो जाता है और लेकिन लोगों का ये ख्याल होता है कि हमने रोटी चावल छोड़ दिया है तो उसकी वजह से हमारा वेट कम हुआ है तो वो वेट कौन सा होता है वो वाटर वेट होता है क्योंकि रोटी और चावल जो होते हैं वो आपके पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तो जब वो आप तीन या तीन चार दिन के लिए रोटी चावल छोड़ते हैं तो उसकी वजह से आपका वाटर वेट कम हो जाता है जिसकी वजह से लोग समझते हैं उनका वेट कम हो गया और फिर वो ये इस प्रैक्टिस को वो जारी रखते हैं जब वो स्टार्ट जिस प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं तो तीन या चार दिन के बाद आपकी बॉडी में आपके मसल्स का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है जब आपके मसल्स का ब्रेकडाउन शुरू होगा तो फिर वो क्योंकि आपकी बॉडी ने अपने बाकी सारे फंक्शन को करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से तो एनर्जी ड्रॉ करनी है तो वो एनर्जी वो आपके मसल्स में से लेते हैं तो जब आपकी एनर्जी वो मसल से ड्रॉ करते हैं तो वो आपके मसल्स का ब्रेक डाउन होता है और और क्या क्या उसमें क्या आता है है मसल्स स्किन लूज हो जाती है। जब मसल आपका कम होता जा रहा है मसल का वॉल्यूम कम हो रहा है स्किन आपकी लूज हो रही है उससे फिर क्या बेनिफिट मिलेगा आपको क्या कुछ आपका बेनिफिट आपका वेट अगर कम हो गया तो आपका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा आपने अक्सर लोगों को देखा जो लोग रोटी चावल छोड़ देते उनकी बॉडी बिल्कुल डी शेप होती है उस डी शेप होने की वजह क्या है कि वो जो स्किन लूज जिसको हम अपनी टर्म में सेलुलाइट कहते हैं आपका सेलुलाइट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और जब आप सेलुलाइट अगर आपका वेट सपोज अगर आपका 60 या 70 जो भी है अगर इसके लेवल पर भी है लेकिन आपकी स्किन लूज हो रही है तो आपका वॉल्यूम जब इंक्रीज्ड है तो आप वो ना आप फिट लगेंगे ना आप स्मार्ट लगेंगे तो इसलिए जैसे जैसे स्किन आपकी फिर फेस के भी से भी आपकी लूज होनी शुरू हो जाती है आपकी बॉडी पूरी ओवरऑल एक शेप लुक आनी शुरू हो जाती है जी, नर्वस सिस्टम को हमारे कंट्रोल करते हैं रोटी और चावल और इस क्योंकि इसमें पूरी वाइटामिन बी की रेंज होती है बी होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को हमारी नर्व्स को सूद आउट करता है और अगर जब हम इसको अपने खाने में से निकाल निकालते तो, तो हमारे नर्वस सिस्टम इसमें अफेक्ट होता है इसमें और फॉलिट होता है इसमें एंटी है इसमें मैग्नीशियम्स है इसमें जिंक है और बहुत ज़्यादा मकदार में फाइबर होता है तो जब हम इसको रोटी चावल को अपनी लाइफ में से निकालते हैं तो हमारा सबसे पहले हमारा जो इतना बड़ा जो चंक है वैल्यूएबल न्यूट्रंट्स का वो हमारी बॉडी वो हमारा ख़त्म हो जाता है हमारी बॉडी में से वो खत्म हो जाता है दूसरा एक जो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वो ये आता है कि अगर ये आप फूड ग्रुप निकाल देंगे कार्बोहाइड्रेट का फ्रूट ग्रुप निकाल देंगे जिसमें रोटी चावल है तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें स्पेशल किस्म के कुछ एंजाइम्स होते हैं तो वो जब वो भी आपके साथ ख़त्म हो जाते हैं अगर आप टू वीक्स रोटी चावल नहीं लेते लेकिन आप जब दोबारा वो स्टार्ट करते हैं तो वो फिर वो दोबारा वो डिवेलप होते हैं उससे फिर क्या होता है बार बार इस सिस्टम के साथ ये होता है कि आपका एक यूयो सिस्टम स्टार्ट हो जाता है कि आप रोटी चावल छोड़ रहे हैं आपका वेट कम हो रहा है आप रोटी चावल ले रहे हैं आपका वेट बढ़ रहा है तो वो वो एक कौनसे कॉन्स्टेंट एक गेम बन जाती है जिसकी वजह से ना आप पूरी तरह मेंटली सेटिस्फाइड हैं ना आप फिजिकली सेटिस्फाइड हो पा रहे होते क्योंकि आपको उस वो रिजल्ट जो डिजायरेबल रिजल्ट क्योंकि ये समझ रहे होते हैं कि रोटी चावल छोड़ने से वेट रिड्यूस होगा तो वो रिज़ल्ट आपको नहीं आते क्योंकि ये अननेचुरल तरीका है अगर आप रोटी चावल छोड़ ही नहीं सकते मुकम्मल तौर पे, हाँ इसको आप कम लेके थोड़ा खा के एक बैलेंस डाइट के साथ लेके आप बेनिफिट्स ले सकते हैं क्योंकि प्रोटीन को भी डाइजेस्ट होने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है रोटी चावल की ज़रूरत है फाइबर की ज़रूरत है तो इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसको बैलेंस डाइट के तौर पर लें इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं कि आप कम करें इसको लेकिन इसको मुकम्मल एलिमिनेट करना जो है वो आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ख़तरनाक है जिसकी वजह से आपको बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है जिसके अंदर थायराइड है डायबिटीज़ टू है टाइप टू डायबिटीज़ जो होती है वो हो जाती है पी हो जाते हैं वो क्यों ये सारी बीमारियाँ होती हैं क्योंकि हमारे लाइफ की वजह से होती है और ये रिवर्सिबल है ये सारी बीमारियाँ रिवर्सिबल हैं अगर आप अपने डाई लाइफ को और अपने ल, ए, लिविंग स्टाइल को आप चेंज करें अपने खाने पीने का रिलेशनशिप जो है वो अपनी फूड के साथ आप अच्छा बनाएं सारा फूड अगर आप उसको एक बैलेंस तरीके के साथ लेंगे उस जिसमें काज भी हो प्रोटीन भी हो और वा, 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 वाइटामिन मिनरल्स और दूसरी ये सब चीज़ें अगर आप बैलेंस करके खाएंगे वेजिटेबल्स फ्रूट्स के साथ तो आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप इसको एलिमिनेट करेंगे तो इससे जो तब्दीली आएगी इन द लॉन्ग रन वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है और सबसे ज़्यादा ख्वातिन के लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो रोटी चावल छोड़ के जो उनकी जो स्किन लूज हो जाती है उसको दोबारा क्योंकि मैं एसिटेशन भी हूँ तो वो मैं आपको बताऊँ दोबारा उसको रिवाइव करना दोबारा उसको दोबारा स्किन उसको टाइट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपकी स्किन लूज हो जाती है जिसको हम सेलेट कहते हैं और सेललाइट की के जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था क्योंकि आपका मसल मास कम हो जाता है तो आपकी स्किन लूज हो जाती है स्किन आपका एक वॉल्यूम क्रिएट कर देती है तो जब आप वो स्किन आपके एक वॉल्यूम क्रिएट कर देती है उसके वजह से फिर आपको ब्लोटिंग भी होती है और जब आपको ब्लोटिंग होती है आप अपने आप को मोटा फील करते हैं और इसमें बेहतर तरीका ये कि आप बैलेंस डाइट लें ले। लेकिन आप वो लोग जिनकी स्किन लूज़ हो गई जिन खुवा जिनकी स्किन लूज़ हो गई फेस की हो गई बॉडी की हो गई और वो डी शेप हो गई है तो उनके लिए क्योंकि मैं ट्रीटमेंट्स ऑफर करती हूँ तो उन वो ट्रीटमेंट्स हैं वो कुछ ट्रीटमेंट्स लेते हैं और जिससे उनकी स्किन में दोबारा रिजननेशन होती है उनका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है और वो जब इम्यून सिस्टम बेहतर होता है तो आपकी बॉडी की वर्किंग ऐसी होती है कि आपको दोबारा मसल मैस जो है वो इंक्रीज होना शुरू होता है और आपका सेलूलाइट कम होता है और आप आ, काफी इंच में अपना reduce, आ, करते है, वेट हैं है, जो कि एक्चुअली सेले की वजह से जो वॉल्यूम क्रिएट होता है वो कम कम हो जाता है जिससे आप अपने आप को स्लिम और फिट फील करते हैं और इससे एनर्जी लेवल्स बेहतर होते हैं और आप मुझसे क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स लेने के लिए ओलाडॉक के थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मैं बेहरिया टाउन फेस टू uh, रवलपिंडी में होती हूँ तो आप उनके थ्रू आप स्पेशली uh, ये लेडीज के लिए है जिसमें वो फेस और बॉडी दोनों के ट्रीटमेंट्स होते हैं फॉर लेडीज ओनली है तो आप उनके थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच